बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट, मैं हूं आसिफ खान। और एक मरतबा फिर आज हम तालियां बजाएंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये ताली एक मरतबा फिर वसीम खान साहब के लिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आज के जंग अखबार में उन्होंने अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, उनको उन्होंने खबर एक लगाई है। इसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि मोहम्मद आमिर से मुलाकात रूटीन का हिस्सा था। रूटीन का हिस्सा कैसे हो गया? मोहम्मद आमिर ने यह खुद कहा है कि यह पहली मरतबा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव उनके घर आए या किसी खिलाड़ी के घर गए। तो भैया, रूटीन का हिस्सा कैसे हुआ? ये एक तो गलती करते हैं, ऊपर से उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। ऐसे नहीं होता वसीम खान साहब, इस तरह से नहीं चलते क्रिकेट बोर्ड के। कोई खिलाड़ी अगर उसने अपनी एक छोटी सी एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया या एक ग्रीवेंसेस का इजहार कर दिया, आप चल दिए उसके घर। ऐसा कभी हुआ है क्रिकेट बोर्ड में? ऐसा कभी हुआ है उस इंग्लैंड में जहाँ की बेस पे आप पाकिस्तान आए हैं, कभी हुआ है इंग्लैंड में ऐसा कि वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव चल के गए हों किसी प्लेयर के पास उसकी तहफ़ुज़ात को सुनने के लिए, अपनी ही इंतज़ामिया के ख़िलाफ़? कुछ तो ख्याल कीजिए, प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है ये, और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। अल्लाह हिदायत दे इन सबको, अल्लाह हिदायत दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामिया को कि वो उस तरह से काम करें कि जिस तरह से काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ्री हिट देखने का। ये क्विक एपिसोड था सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये मुझे जो भी कारस्तानियाँ हैं, जो भी काविशें हैं, उनके ऊपर ये था। बाकी और भी बात करेंगे, मज़ीद मौजूदात हैं। फ्री हिट देखने का शुक्रिया जनाब। फ्री हिट को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको पसंद आया अगर। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।